मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। आग तलंग भजन चोट साखी जो कर सुमरन मनसा। साखी जो कर सुमरन मनसा। साखी सब में सारथी। साखी सब में सारथी। नाम रूप पिर पंच सजे जो। नाम रूप पिर पंच सजे जो। साखी एक आधार थी। साखी एक आधार थी। 84 लख जूणन अंदर। 84 लख जूणन अंदर। साखी जो चिमकार थी। साखी जो चिमकार थी। दिन कालन टिन वस्थाउन जो। दिन कालन टिन वस्थाउन जो। साखी जानन हार थी। साखी जानन हार थी। माँ अक्षर जी माना असली। माँ अक्षर जी माना असली। साखी सिरजन हार थी। साखी सिरजन हार थी। कहे टेऊं सो साखी तुंहिंजो। कहे टेऊं सो साखी तुंहिंजो। आदि रूप अपार थी। आदि रूप अपार थी। साखीअ जो कर सुमरन मनसा। साखीअ जो कर सुमरन मनसा। साखी सब में सा। राग तलंग भजन 64। साखीअ जो कर सुमरन मनसा। साक्षी सब में सार अथी। तलंग राग के इस भजन में परम आदरणीय सदगुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मन में उस साक्षी चेतन का सुमरण करो, वही संसार का सार है। पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले, उनको लय करने वाले वो साक्षी चेतन परब्रह्म है। वही तुम्हारा स्वरूप भी है। उसी का मन से सुमरण करो। ये सारा संसार नाम रूप मय जो प्रपंच है, एक नाम जो हम नाम लेते हैं और दूसरा रूप जो स्वरूप दिखता है संसार का, वो सारा प्रपंच उसका आधार वो साक्षी चेतन है। संसार नाम रूप प्रपंच है, उसका आधार साक्षी चेतन है। सत चित्त आनंद परब्रह्म स्वरूप है। 84 लख जूणन अंदर साक्षी जो चमकार अति। जितने भी संसार में जूनिया है 84 लाख, उनके अंदर भी उस साक्षी का निवास है। उसी की चेतन सत्ता से सारी सृष्टि चल रही है और जितने भी चराचर जीव हैं उनको चलाने वाले भी वही सत्ता है। टिन कालन टिन वस्थाउन जो। साक्षी जानरण हार अति। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, जागृत स्वप्न सुषोप्त तीनों अवस्थाओं, इन सबको चलाने वाले, इन सबको जानने वाले वो साक्षी चेतन स्वयं परब्रह्म है।
माँ अक्षर जी माना असली साक्षी सृजन हार अथी। जो हम कहते हैं कि मैं हूँ, अपने अस्तित्व को मानते हैं, तो वो कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा की ज्योत तुम्हारे अंतर है प्रकाशित हो रही है, उसी के द्वारा मैं का भी अस्तित्व है। उसके बिना मैं का कोई अस्तित्व नहीं। कहे टेऊं सो साखी तेंजो आदि रूप अपार अथी। वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, साक्षी चेतन ब्रह्म का सब घट में है वास। कहते हूँ शशि सूर्य में ताका है प्रकाश। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले वही हैं और वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। उसको जानो, उसी का मन में सुमरण करके परम शांति को प्राप्त करो। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेमसा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊं राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान। कविता छंद दोहावली
पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषिणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा प्रवाणी हिंदी अमरा प्रवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।